जय बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ जी के इस दिव्य प्रांगण से सबको जय बद्री विशाल। आपसे बात करने की इच्छा थी कुछ दिन पूर्व, यहाँ पे मंजुला एकादशी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण आपसे बात नहीं कर पाए। त्रिस्पर्शा दसवीं एकादशी द्वादशी तीन तीन तिथियों को और एक साथ जोड़ने वाली ये त्रिस्पर्शा मंजुला थी। वस्तुतः एकादशी का प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम में ही हुआ है। योजना द्वारसायामा एक द्वारा धनंजया ऐसी गुफा का वर्णन मिलता है जो प्रतीक रूप में आज भी दिखती है बद्रिकाश्रम में। और इस एकादशी का जो फल बताया गया अनंत बताया गया। एकादशी निकल गई और आज नरसिंह जयंती है। दशावतार में जो चौथे अवतार हुए हैं भगवान नरसिंह ही हैं। गत वर्ष आपसे चर्चा हुई, आज भी उस चर्चा को हम नेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। भगवान नरसिंह प्रकट हुए मूल स्थान अविभाज्य भारत जो आज पाकिस्तान में, मूल स्थान को मुल्तान आज कहते हैं, प्रहलादपुरी आज भी वहाँ पे अति क्षतिग्रस्त, लेकिन मंदिर आज भी नरसिंह जी का वहाँ, प्रहलाद जी का वहाँ, और वहाँ का नरसिंह जी का विग्रह विभाजन के समय भारत बरसाया। हरिद्वार में विग्रह आज भी दिखता बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार देखें तो भगवान नरसिंह अपना रूप शांत करने के लिए हिमालय की ओर आए और हिमालय की ओर आते आते बद्रिकाश्रम जोशीमठ होते हुए बद्रिकाश्रम आए, और तब भी रूप शांत नहीं हो पाए तो अलकनंदा के शीत जल में पड़ गए। सामने शिला मंदिर के ठीक सामने नृसिंह रूपी भगवान यत्रास्ते मुक्तिदायक का जोशीमठ जहाँ विराजमान है, और बद्रीनाथ की जल क्रीड़ा परो भवत, जल में भगवान आज भी तपस्या करते हुए आज भी मुंफाड़े हुई शिला दिखती है। आप सबको नृसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बद्रिकाश्रम एकदम खाली खाली, सही में कहें तो हमें बहुत सोना सोना लग रहा है। आप होते, सब परिवार होते, बंध बांधव सहित होते, दर्शन करते, एक दमकती पूरी दिखती है। काल परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, भगवान की पूजाएं यथावत चल रही हैं, ठीक जिस प्रकार चलती हैं। षणमासम देवते ही पूजा, षणमासम मानविष्ट था, भगवान की पूजाएं चल रही हैं लेकिन भक्तों का प्रवेश नहीं। और जैसे ये स्थिति ठीक होती है आप लोगों को बुलाएंगे, आप आएंगे और मन भर कर दर्शन करेंगे। दो वर्ष से आप दर्शन नहीं कर पाए, जो लोग आएंगे दर्शन करेंगे, किंतु अभी कुछ रोक है, कुछ सावधानी है, गाइडलाइन नहीं, सरकार भेजेगी तदनुसार आप आएंगे। मैं समझता हूँ वो दिन बहुत दूर नहीं जब आप भगवान के श्री चरणों में बद्रीनाथ होंगे। बड़ी सुंदर बद्रीपुरी, भगवान का मंदिर सामने, ये दिव्य कोई नहीं मनुष्य के रूप में लेकिन भगवान विराजमान है। ठंडा लग रहा, तीन चार दिन से मौसम ठीक नहीं था और आज धूप आई तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर निकले धूप सेकने के लिए। और हमें आदरणीय परम विद्वान बद्रिकाश्रम के और देवप्रयाग के मुरलीधर शास्त्री जी के वो शब्द याद आ रहे हैं जो नित्य भगवान को मंदिर में सुप्रभातम में सुनाए जाते हैं कि भास्वानुदेति विगता हिमशीत बाधा, सूर्यनारायण प्रकट हो गए और लोग बाहर निकल पड़े हैं ठंड से धूप की ओर बढ़े हैं। वो आदरणीय शास्त्री मुरलीधर जी का ये शब्द अक्षरशः सत्य होता दिखाई दे रहा है मेरे को। चारों ओर बर्फ, ये ताजी बर्फ गिरी है, ये अलकनंदा
उस तरफ भगवान बद्री विशाल और मैं इधर नरपुरी की ओर खड़ा होकर के आपसे वार्ता कर रहा हूँ। विशेष रूप से मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि 26 तारीख यानी 26 मई कल चंद्र ग्रहण है, इसके बारे में सूतक पातक, मंदिर खुलना बंद होना लोगों ने चाहा। मैं आपसे कहूं, चंद्र ग्रहण है, खगोलीय घटना होती है, उसका धार्मिक महत्व अपने में पूरा का पूरा होता है। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका से अंटार्कटिका होता हुआ ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत प्रांत, भारत देश पे आएगा। भारत के सुदूर नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भाग में ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, ईटानगर, इम्फाल और आते आते कलकत्ता के कुछ भागों में ये ग्रहण दिखाई देगा और कलकत्ता के कुछ भागों के बाद ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। बस जहाँ ग्रहण दिखता है वहीं सूतक पातक हुआ करते हैं, ये शास्त्रीय विधान है। जहाँ ग्रहण मोक्ष, तुरंत ग्रहण स्नान। तो उत्तर पूर्वी भागों में जिन राज्यों में ग्रहण है वहाँ सूतक पातक होगा, शेष भारत दक्षिण भारत केरल आंध्र तेलंगाना या पश्चिम भारत मुंबई गुजरात महाराष्ट्र या मध्य भारत मध्य प्रदेश झारखंड आदि और उत्तर भारत दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कश्मीर तक ये ग्रहण दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा। और जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहाँ ग्रहण का सूतक होता ही नहीं है। अतः यही वार्ता आपसे करना चाहता था बद्रीनाथ मंदिर से। मंदिर जैसे रोज़ खुलते हैं, जैसे रोज़ पूजाएं होती हैं, तदनुसार मंदिर खुले रहेंगे, तदनुसार पूजाएं होंगी। इधर ग्रहण का कोई सूतक पातक नहीं, बस नॉर्थ ईस्ट वहाँ थोड़ा प्रभाव रहेगा और वो उसका अनुपालन करेंगे जैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए थोड़ा सा भगवान नीलकंठ के आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने नीलकंठ है, भगवान शंकर की तपस्थली, भगवान शंकर ही साक्षात तप करते हुए। बादलों में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कंबल ओढ़ी है और ऊपर से भगवान दिखाई दे रहे हैं। सुंदर पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़, 29,000 से ज़्यादा ऊंचाई का ये पहाड़ है और भगवान नारायण यानी बद्री विशाल जी के ठीक पीछे भाग में ये नीलकंठ, सामने बद्रीपुरी एकदम सुनसान खाली, भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर ये सामने चमकता हुआ और इसके पीछे दो तीन गायें चरती हुई। यहाँ की गायें बड़ी सुंदर होती हैं, यहाँ का दूध बहुत मीठा बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ की गायें दवा पाती हैं अर्थात औषधि इस पहाड़ पे होती है। भवंती यत्र औषधयो रजन्यां अतैल पूर्णा सुरथ प्रदीपाहा, कालिदास के शब्द हैं ये। तो ये औषधि उसे खाती है तो उससे बड़ा पौष्टिक दूध प्राप्त होता है। सामने अलकनंदा, अलकनंदा में आपको दिखाऊँ मैं बराशिला और उसके ठीक पीछे जल क्रीड़ा प्रभुत भगवान नृसिंह जी का मुख दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दूर से आप देखेंगे पानी आ रहा ऊपर से, आजकल ही दर्शन होते हैं, कुछ दिन पहले पूर्व अच्छे दर्शन हो रहे थे, अब पानी बढ़ जाएगा तो शिला ढक जाएगी और पुनः अक्टूबर में पानी कम होगा तो नृसिंह जी दर्शन देंगे। ये भगवान नृसिंह यहाँ विराजमान और इसके पीछे ब्रह्मकपाल, सामने माना की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सुंदर कल की आई हुई ताजी बर्फ। और माना से सामने जाएं अगर सीधे तो अरबा ताल होते हुए एक रास्ता गंगोत्री की ओर जाता है, एक यद्यपि बंद है किंतु देवताल होते हुए सीधा और कैलाश की ओर निकल जाता है। कैलाश का रास्ता ये रहा है, कई बार लोग कैलाश गए, भगवान कृष्ण भी इसी रास्ते कैलाश गए हैं, महाभारत साक्षी है हरिवंश। और एक रास्ता यहाँ से स्वर्गारोहणी की ओर निकल जाता है, ये सामने माना और ये बद्रीनाथ जी। ये बद्रीनाथ जी के ऊपर की पहाड़ी ऐसे लगती है जैसे पूरा का पूरा शेषनाग तप कर रहा हो और छाया क्या हो, भगवान नीचे बैठे हुए ऊपर से कितना ग्लेशियर आए दाएं बाएं
चला जाता है मंदिर कुश, कोई नुकसान कभी नहीं होने देता है। ये पहाड़ शेषनाग बोलते हैं और बीच में विष्णुपति अलकनंदा भगवान के दर्शन। बस इन्हीं शुभ दर्शनों के साथ आप सबको पुनः जय बद्री विशाल, और भगवान से निवेदन ये दुख ये बीमारी दुनिया से शीघ्र निकलें और लोग आपके दर्शन के लिए यहाँ आवें। बस केवल भारत नहीं अपितु अखिल ब्रह्मांड की बात हमारे महात्मा करते हैं, हमारे शास्त्र करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें। और वैद्यो नारायणो हरि, राजा आप ही वैद्य हैं, आप ही डॉक्टर हैं, आप ही धन्वंतरी हैं और औषधि जाह्नवी तोयम्। बस आपका ये जल यही औषधि अभी प्राप्त है हमें। जय बद्री विशाल, जय भगवान नरसिंह, आपकी जयंती, आपका जन्मदिन सारे विश्ववासियों को, और जन्मदिन की हार्दिक